हाय एवरीवन, आप सबका फिर से एक नए ब्लॉग पर स्वागत है। तो गाइस, मैं किसी काम से यहाँ पे सीओर गया हुआ था। तो वहाँ पे सीओर में अभी कोवेश्वर धाम जो बना हुआ है, जहाँ प्रदीप मिश्रा जी प्रवचन वगैरह करते हैं, तो वहाँ पे काफी बड़ा मंदिर बन गया है। तो वहाँ के मैं आपको दर्शन करवाने वाला हूँ। साथ में वहाँ से लौटते टाइम हम झागरिया गए थे, तो झागरिया वाली माथे के दर्शन भी मैं आज के इस ब्लॉग में आपको करवाने वाला हूँ। तो बस इस ब्लॉग पे आप बने रहेगा। तो दोस्तों, ये है कोवेश्वर धाम मंदिर। हम काफी लेट हो गए थे, 6 बज गए थे हमें, इसलिए काफी अंधेरा टाइप का यहाँ पे हो गया था। तो यहाँ पे हमने दर्शन वगैरह किए। आपको जो मंदिर दिख रहा होगा, ये है कोवेश्वर धाम मंदिर जो यहाँ पे सीओर के आसपास है। तो बाहर से घूमने के बाद फाइनली हम मंदिर में अंदर प्रवेश करे। प्रवेश करने के बाद हमें पता चला कि यहाँ पे कोई भी मूर्ति वगैरह नहीं है, बट दोस्तों यहाँ पे प्रदीप मिश्रा जी जो यहाँ पे प्रवचन यानी शिव जी की कथा सुनाते हैं, उनके स्थान पर ही यहाँ पे प्रसाद चढ़ाया जाता है। यहाँ की काफी ज्यादा मान्यता बढ़ गई है। तो मंदिर में दर्शन करने के बाद बाहर हमने फोटो वगैरह क्लिक किए। क्लिक करने के बाद आप ये व्यू देख सकते हो, काफी अच्छा व्यू है। और ये अभी शिवलिंग बन रहा है, जो आपको शिवलिंग दिख रहा है ये न्यू शिवलिंग बन रहा है और इसी की पूरी मान्यता रहेगी और खास यही रहेगा। दोस्तों, यह है ब्लॉग का दूसरा दिन और अभी हम पहुंचे हैं बिल्किसगंज झागरिया, जहाँ पे माँ महिषासुर मंदाकिनी मंदिर है। अभी हम इसके दर्शन आपको करवाने वाले हैं, क्योंकि हमने तो दर्शन ऑलरेडी यहाँ पे कर लिए हैं। तो फाइनली हम मंदिर आ चुके हैं और यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी लोकेशन है। आपको पूरी लोकेशन मैं बताने वाला हूँ, तो बस इस ब्लॉग पे आप बने रहिए। ओए तेरे भवन दे दे अपनी शरण, ओए तेरे भवन दे दे अपनी शरण, रहे तुझ में मगन थाम कर ये चरण। तन मन में भक्ति ज्योत तेरी हे माता जलते रहे, तन मन में भक्ति ज्योत तेरी हे माता जलते रहे। उत्सव मनाए नाचे गाए, उत्सव मनाए नाचे गाए, चलो मैया के दर जाए। जय माता दी, जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। सनन गाए पवन सभी तुझ में मगन, तन मन में भक्ति ज्योत तेरी हे माता जलती रहे। ओ तन मन में भक्ति ज्योत तेरी हे माता जलती रहे। रंगों से रंगोली सजाए, फूलों ने रंगों से रंगोली सजाई, सारी धरती ये महकाए। जय माता दी, जय माता दी, जोर से बोलो। तो आई होप दोस्तों आपको लोकेशन और मंदिर काफी अच्छा लगा होगा, मुझे भी काफी अच्छा लगा। तो हम सीओर गए थे किसी काम से, वहाँ से लौटते टाइम थोड़े लेट हो गए थे, इसलिए हम आ गए यहाँ पे झागरिया। झागरिया में ही मंदिर है, यहाँ पे हमारी कज़िन सिस्टर रहती हैं, इसलिए हम नाइट में यहीं पे रुके और मॉर्निंग में सिंपल सा 11 बजे के समथिंग यहाँ पे मंदिर घूमने के लिए आए हैं। तो हमारी कज़िन सिस्टर हैं यहाँ पे, हमारे दीदी बड़े जीजू और यहाँ पे कज़िन सिस्टर भांजा भांजी, ये हम सभी यहाँ पे मंदिर गए हुए थे। उसके बाद दोस्तों इस मंदिर के दर्शन करने के बाद फाइनली हम यहाँ से निकल चुके हैं और उसके बाद हम झागरिया सिटी जा रहे हैं। वहाँ पे भी एक मंदिर है राम सीता जी का, तो
तो उस मंदिर के भी मैं अभी दर्शन आपको करवाने वाला हूँ। तो यहाँ पे मंदिर हम पहुँच गए हैं, अभी आप अंदर देखिए। ये भी थोड़ा मतलब छोटा मंदिर है, मंदिर काफ़ी छोटा है बट इसमें मूर्तियाँ काफ़ी अच्छी हैं और काफ़ी प्यारी मुझे यहाँ पे लग रही हैं, आई होप आपको भी अच्छी लगी होंगी। तो श्री राम दरबार के हमने दर्शन यहाँ पे कर लिए, अभी हम वहाँ से निकलेंगे घर की तरफ। तो आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।